आ चुके हैं हम अब टुकनाथ से नीचे डाउन पे जा रहे हैं। वेदर काफी चेंज है, बने रहना वीडियो में, आगे दिखाते हैं। जो मेरा व्लॉग वो वाला देखा था सेकंड व्लॉग, उसमें हमारा पूरा टुकनाथ कवर था। अब आगे नीचे जाएंगे, नीचे का दिखाते हैं वेदर क्योंकि काफी खराब है। वीडियो बने रहो, आगे दिखाते हैं, चलो चलते हैं। ये था हमारा व्लॉग 3, चलो आगे कवर करते हैं। अब हम डाउन पे जा रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा ध्यान से और केयरफुल होकर मुझे जाना है क्योंकि काफ़ी बार मैं गिर चुका हूँ। वो गिर गया, ओह माय गॉड, कई बार गिर चुका हूँ, मेरे काफ़ी चोट आ रही है, बिल्कुल स्टिक, क्योंकि काफ़ी बर्फ़ पड़ी हुई है और मेरे शूज़ भी ऐसे ही हैं। और मेरे साथ पवन है, उसके साथ तो ऐसे कोई इशू नहीं हुआ है, मगर देखते हैं क्या होता है उसका भी। तो अब पवन भी गिर गया नाम लेते ही, क्योंकि आइस जम चुकी है। आइस के साथ साथ मैं स्पोर्ट्स शूज़ पहना और मैंने इसे अपने राइडिंग वाले शूज़ दे दिए थे पहले, जो आर्मी शूज़ होते। मैंने कहा चल तो ये पहन ले, कोई ऐसे इशू नहीं आएगा, मुझे क्या पता था ऐसा हो जाएगा। अब डाउन पे डाउन हम जितना नीचे जा रहे हैं उतना ही, क्योंकि चढ़ने में इतना नहीं था जितना हमें लग रहा था, मगर डाउन पर अब महसूस हो रहा है कि बहुत ज़्यादा हमें आराम से ध्यान से उतरना है। अब दिल्ली पहुँचते ही मैं पहले जाते ही ट्रैकिंग शूज़ लूँगा अपने लिए डिकैथलॉन जाके। अब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है हमें नीचे उतरने में, देखते हैं कैसे उतरते हैं, जैसे भी होता है नीचे पहुँचना तो है, कवर करेंगे। अब पवन को एक ट्रैकर मिल गया था जो ट्रैकिंग पे लेके जाता है सबको अप डाउन पे, उसने पवन को कवर कराया कि आओ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हम गिर रहे हैं, चोट लग रही है। तो उसके शूज़ में ट्रैकिंग शूज़ के साथ साथ क्लिप वाले शूज है जिससे वो आइस पर निकल सकता है ट्रैकर, तो उसको उसी के साथ पवन को हमने भेज दिया है कि कोई बात नहीं, अच्छा था लड़का वो ट्रैकर, कि भैया आप ज़्यादा परेशान हो रहे हो, कोई इशू ना हो, आप मेरे साथ चल दो। तो उसने साथ में पवन को ले जा रहा है, उसे मैंने अपने स्पोर्ट्स शूज़ दे दिए हैं कि तू उसके साथ चले जा, कोई दिक्कत नहीं होगी तेरे को। मैं फिर गिर गया, मैं बार बार गिरता जा रहा हूँ, मेरे को बहुत प्रॉब्लम है, जबकि मैं शूज़ पहना हुआ हूँ, अब आर्मी मैंने आर्मी शूज़ पहन रखे हैं। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है अब तो नीचे उतरने में। अब कहीं पहले 5-10 मिनट पहले बैठेंगे, उसके बाद नीचे जाएंगे, क्योंकि भूख बहुत तेज़ लग रही है, तबीयत भी ख़राब हो रही है। मैं गिरता जा रहा हूँ, मैं पहले बैठूँगा, फिर गिर गया मैं, अब कुछ नहीं बता सकता, मैं बैठूँगा बस। तो फ्रेंड्स 1.5 किलोमीटर कवर कराए, हालत बहुत ज़्यादा डाउन है, क्योंकि सुबह से देखा होगा वो वाला वीडियो, तो उसमें खाली हमने एक पराठा खाया था और उसके बाद अभी तक कुछ भी नहीं खाया है। भूख बहुत तेज़ लग रही है, शरीर में एनर्जी बिल्कुल नहीं है, और यहाँ पे भी कुछ सिस्टम खाने को नहीं मिल रहा है क्योंकि आउट सीजन है। डाउन बहुत ज़्यादा, बैटरी डाउन हो चुकी है हमारी भी, स्टेमिना जो है हमारा 90 पे आ चुका है, 10% बच रहा है हमारा भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ तो एक तो आइस जो है वो जम चुकी है, नीचे उतर रहे हैं ना तो फिसलन बहुत ज़्यादा है। काफ़ी बार हम गिर चुके हैं, चोट खा चुके हैं, ट्रैकिंग जो है कोई ट्रैकिंग करने तो आए थे मगर ट्रैकिंग के हिसाब से नहीं आए, बाइकर्स के हिसाब से आए थे, मगर अब कुछ नया एक्सपीरियंस मिला है। हर राइड हमेशा एक नया एक्सपीरियंस देती है, यह हकीकत है। राइड इतनी करी है, अभी ट्रैकिंग करिए, ट्रैकिंग का अलग ही एक्सपीरियंस मिला है, कुछ सीखने को मिला है और कुछ शेयर करने के लिए भी मिला है। बहुत सी बातें मैं आपको शेयर भी करूँगा, ट्रैकिंग के लिए हमें क्या क्या चीज़ चाहिए होती हैं सब कुछ शेयर करूँगा। और पीछे वेदर तो देख सकते हो, बादल है, सब कुछ देखो, पीछे पहाड़ देखो, काफी अच्छा व्यू है, व्यू काफी शानदार है, मैं दिखाता हूँ, वो देखो पूरा ये हिमालयन ग्लेशियर है पूरे उत्तराखंड के, काफी अच्छा है। सोचा तो यही था कि दिल्ली से निकले थे कि मैप दिखा रहा था, मैं गूगल भी दिखा रहा था कि स्नोफॉल 4 तारीख का, 5 तारीख का, 6 तारीख का है, मगर हम 5 तारीख को यहाँ आ गए, सुबह हल्की बारिश थी नीचे की तरफ, क्योंकि हम चोपटा से 14 किलोमीटर और आज भी आप पहले स्नोफॉल में आए हो। 14 किलोमीटर नीचे हमने स्टे करा था क्योंकि रात काफी लेट हो चुकी थी, 9 बजे हमने रूम लिया था, सुबह 5 बजे उठे थे, मगर घर से भी 9 बजे निकले थे, 8:30 बजे निकले थे, 8:30-9 के बीच में, 9 बजे तक आए हैं, 12 घंटे लगे हमें। काफी दिक्कत होने के बाद चोपटा में हमने स्टे कर लिया था, चोपटा से 14 किलोमीटर
14 किलोमीटर नीचे, और सुबह काफी तेज बारिश हो रही थी क्योंकि नीचे स्नोफॉल नहीं हो रहा था। जैसे हम चौपटा पहुंचे, चौपटा पहुंचते ही स्नोफॉल हमारा चालू हो गया था। वीडियो में आपने देखा ही था कितना अच्छा शानदार हो रहा है। और बाकी फ्रेंड्स, मेरी नई नई अपडेट के लिए मेरा इंस्टाग्राम हैंडल ही नीचे आ रहा होगा, इसे फॉलो कर सकते हैं। बने रहे वीडियो में, आगे दिखाते हैं कुछ नया एडवेंचर। हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, शरीर में एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है। मन तो ये कर रहा है बस सो जाओ, भूख के मारे पूरी बैटरी डाउन हो चुकी है, भूख लग रही है बहुत तेज और नींद आ रही है। क्योंकि टुकनाथ की चढ़ाई बहुत टफ है यार, एकदम खड़ी चढ़ाई है, आंखें भी खोलने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। मन कर रहा है आँखें बंद करो सो जाओ, क्योंकि थक चुके हैं। एक तो ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल नहीं है और शरीर पूरा हीट ऐसे मार रहा है क्योंकि हिसाब से पैक है, गर्म एकदम पसीना आ रहा है पीछे बैक पे मेरे को। मैं बता नहीं सकता कितना मैं थक चुका हूँ, हालत मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। आंखें भी देख रहा हूँ कि खुल नहीं रही होंगी, चढ़ रही है नींद के मारे, नींद आ रही है बहुत तेज। मन कर रहा है सो जाओ, बने रहो वीडियो में, आगे दिखाते हैं। बस यहाँ से फाइनली 500 मीटर नीचे रह गया है, अब फटाफट जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी नीचे कवर करेंगे, पहुँचेंगे। बस अब इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है क्योंकि थक काफ़ी चुके हैं, भूख बहुत तेज लग रही है। बस नीचे उतरते ही पहले कुछ खाऊंगा पीऊंगा फिर रूम के लिए पहुँचेंगे। हालत काफ़ी ज़्यादा डाउन हो चुके हैं, नीचे पहुँचते फटाफट अब नीचे जाना है। कभी भी ट्रैक पे आओ मेरे दोस्त, हमेशा अपने साथ चॉकलेट, डार्क चॉकलेट जरूर रख के लाओ। मैंने नहीं रख के लाया था, केले रख के लाया था दो, वो भी मैंने खा लिए। काफ़ी ज़्यादा थकान हो रही है, बस जितनी जल्दी हो सके उतने नीचे जल्दी पहुँचते हैं। तो फ्रेंड्स, फाइनली ट्रैक कंप्लीट हो गया है, नीचे आ चुके हैं, थक गए हैं बहुत ज़्यादा। पहले लंच करना है, बहुत ज़्यादा 5 बज चुके हैं, लंच का टाइम तो नहीं है मगर बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। बाबा की मेहर से कंप्लीट हो गया हमारा ट्रैक, नीचे आ चुके हैं। 10 बजे चढ़े थे, 5 बजे नीचे उतरे हैं, पूरे 7 घंटे लगे हैं। बहुत ज़्यादा टफ है, बहुत ही ज़्यादा टफ है। चलो आगे चलते चलते डिनर करते हैं, लंच करते हैं, अपना लंच करते करते बात करते हैं। हमने कर लिया है लंच, के डिनर ही हो गया, 6 बज गए थे नीचे टाउन पे आते आते। और उस समय वो वीडियो शूट नहीं हुआ क्योंकि थक बहुत ज़्यादा चुका था और मैंने बस ऑर्डर करा और खाना खाया क्योंकि काफ़ी तेज भूख लग रही है। अब रूम पे जाके अब आंखें बंद करके नींद ऐसी आई है आज, बहुत ही शानदार, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। 10 किलोमीटर ऊपर अप एंड डाउन करा है, काफ़ी पैर दर्द कर रहे हैं आज काफ़ी ज़्यादा, और भीग भी पूरे चुके हैं। अब हल्की हल्की यहाँ बारिश शुरू हो चुकी है, समझ नहीं आ रहा आज कैसे काम चल रहा है। ऊपर स्नोफॉल हो रहा है, नीचे जा रहे हैं अपने रूम पे, 14 किलोमीटर डाउन पे हमारा रूम है टुंगनाथ से, काफ़ी
ज़्यादा ठंड है। अब रूम में भी हमने 5 लेयर के कंबल ले रखे हैं, 5 कंबल हैं हमारे पास, तब जाके ठंड हमारी रुकती है रात में। बहुत ज़्यादा ठंड है, रात में जो टेम्परेचर है वो -20 पे पहुँच जाता है, क्योंकि मैंने खुद अपना टेम्परेचर चेक करा था, -20 पे दिखाया था कल लास्ट नाइट में। आज पता नहीं कितना होगा, आज भी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। अब सुबह उठ के देखते हैं क्या डेस्टिनेशन होती है हमारी, या दिल्ली जाएँ या कहाँ जाएँ। अब जैसा भी है, अब फटाफट भीग चुका हूँ मैं, कैमरा निकाल के अपना गोप्रो बैग में रखा हूँ, क्योंकि बारिश काफ़ी तेज हो रही है। मिलेंगे रूम में पहुँच के। तो फ्रेंड्स, रूम में आ चुके हैं, कपड़े पूरे भीग गए, पैंट देख सकती है भीगी हुई है, जैकेट भीग गए, शूज भीग गए, सब भीग गए हैं। बारिश स्टार्ट हो गई थी क्योंकि ऊपर होता है स्नोफॉल और नीचे हमें थोड़ा, हमारा 14 किलोमीटर नीचे रूम है छोटा सा, तो सब भीग चुके हैं। तो रूम में बैठते हैं, इंजॉय करते हैं। बहुत ज्यादा ठंड है, बस -7 टेम्परेचर दिखा रहा है यहाँ का। ये टुंगनाथ पे जब ऊपर गए थे हाई एल्टीट्यूड पे तो -14 टेम्परेचर था, क्योंकि स्नोफॉल काफी हो रहा था, टेम्परेचर बिल्कुल नीचे आ चुका था। अब बिल्कुल हालत बिल्कुल खस्ता हो चुकी है हमारी। अब रूम में बैठ के चाय में पियेंगे, कुछ खाएंगे पियेंगे, देखते बाकी बने रहो वीडियो में। मगर मैं तो इतना कहूंगा बहुत टफ है, कपड़े पूरे भीग चुके हैं, गीला उखड़ा हूं मैं। रूम में आ गए हैं, ये देखो बाहर बारिश हो रही है, आ जाओ दिखाता हूँ। वैसे दिखेगा तो कुछ नहीं, ये अंधेरा इतना है, ये पाइप पे से पानी आ रहा दिख सकता है, वो भी नहीं दिखेगा क्योंकि अंधेरा काफी हो चुका है, ठंड बहुत ज्यादा है, बारिश स्टार्ट हो गई है। अब बस कंबल में बैठते हैं, फिर बातें करते हैं, चलो।